find matrices x and x and y, x and y, if x plus y this, x plus y is equal to 7025, x minus y 3003, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट से करते हैं। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, तो देखिए मैट्रिक्स इक्वेशन हमको दो मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखा है और इसके आंसर में क्या करना है, वी हैव टू फाइंड इंडिविजुअल मैट्रिक्स एक्स एंड वाई। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 7025 है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या है, 3-0 और 0। हमको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है और वाई की वैल्यू निकालना है। इसमें क्या करेंगे, मतलब ये साइन दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तो जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आपका अलजेब्रिक रूल लग जाएगा और राइट साइड में मैट्रिक्स सम लग जाएगा, मैट्रिक्स रूल लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्लाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड पॉइंट करेंगे तो क्या मिलेगा, मतलब एक्स प्लस एक्स टू एक्स हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई 0 हो जाएगा। अब जो है ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, दोनों मैट्रिक्स क्या होगा, मतलब ऐड हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये जगह 2x इक्वल टू अब जो है 7+3 और 0+0 2+0 5+3, है ना, टू मैट्रिक्स आप से बड़ा कैन बी एडेड और ये एडिशन बी ऐड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर लेते हैं ना, तो इसलिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपको ऐड हो गया। यहाँ से 2x इक्वल कितना हो जाएगा, 2x इक्वल हो गया 10, 2, 0 and 8, है ना। यहाँ से x इक्वल कितना हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा आपका 10/2, 0/2, 2/2, 8/2, ठीक है। x इक्वल कितना हो गया 5, 0, 1, 4, ये x की वैल्यू। अब x की वैल्यू जो है, अब y की वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं, दोनों मैट्रिक्स क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो फर्स्ट माइनस सेकंड इक्वेशन फर्स्ट सेकंड इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देते हैं, इक्वल टू y, इसको हो गया आपका 7025, x माइनस y इसको हो गया आपका 3003। अब इसको माइनस करें तो माइनस प्लस माइनस है, तो 2y इसको कितना हो गया, ये प्लस करने के लिए माइनस कर देगा, तो 7025 माइनस 3003, ठीक है। यहाँ से 2y कितना हो जाएगा, 2y इसको हो जाएगा 7 माइनस 3 और 0 माइनस 0, 2 माइनस 0, 5 माइनस 3, तो जगह 2y इसको हो जाएगा 4022, तो y इसको हो जाएगा 1/2, 4022, तो y इसको हो जाएगा आपका 4/4, 0/2, 2/2, 2/2, ठीक है। तो y इसको हो जाएगा आपका 2011, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा x y के, ठीक है। चलिए आप इसका सेकंड पार्ट समझते हैं, कभी कभी देखो